खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट हुई तेज। सोमवार को मिलेंगे सिंधिया और शिवराज। बीजेपी राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को भोपाल दौरे पर आ रहे हैं। यहां वे करीब एक घंटे तक सीएम शिवराज से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि उपचुनाव में हारे हुए समर्थकों को सरकार में पद दिलाने की पेशकश सिंधिया द्वारा की जाएगी। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को एक दिवसीय भोपाल दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार सिंधिया और सीएम की मुलाकात का वक्त करीब एक घंटे तक का है। कहा जा रहा है कि इस दौरान सिंधिया मुख्यमंत्री से मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडल में अपने लोगों को शामिल करने की चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि सिंधिया समर्थक तीन मंत्री इस चुनाव में हारे हैं और दो मंत्रियों ने परिणाम के पहले इस्तीफा दे दिया था। मंत्रिमंडल विस्तार निगम मंडल को लेकर चर्चा संभव। सिंधिया का भोपाल दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दिसंबर में विधानसभा का सत्र होना है और इससे पहले सिंधिया अपने समर्थकों को मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहते हैं। उपचुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक दो मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, जिसमें तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत शामिल हैं। ऐसे में सिंधिया चाहते हैं कि इन दोनों मंत्रियों को दोबारा शपथ दिलाई जाए। सिंधिया दौरे पर वीडी शर्मा ने दिया बयान। वीडी शर्मा ने अपने बयान में कहा कि सिंधिया समर्थक तीन मंत्री हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में मात खा चुके हैं, जिसमें गिरिराज दंडोतिया, इमरती देवी और रघुराज कंसाना शामिल हैं। इसके साथ ही अन्य चार सिंधिया समर्थक विधायक भी उपचुनाव में हार चुके हैं। ऐसे में सिंधिया की कोशिश है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनके समर्थकों को जगह मिले। सिंधिया निगम मंडल और संगठन में अपने लोगों को शामिल कराने की जुगत में है, जिससे सरकार और संगठन में उनकी भागीदारी बनी रहे। हालांकि सिंधिया की मुख्यमंत्री से इस मुलाकात को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी का कहना है कि पार्टी में सभी नेता एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, इसका दूसरा कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। समय समय पर केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ सांसद और अन्य वरिष्ठ नेता एक दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं। भोपाल संवाददाता प्रवीण कुमार भार्गव की रिपोर्ट। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आते जाते रहते हैं, सभी नेता हमारे आते जाते रहते हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, कहीं न कहीं हमारा प्रवास की प्रक्रिया है, तो ये कोई सहज है तो सामान्य है। कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप TV चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड़ न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।